गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय सब्जेक्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी एंड टुडे टॉपिक इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मींस CHF. अब बात ये आती है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हार्ट फेलियर क्या है. हार्ट फेलियर इट इज़ डिफाइंड एज द इनएफिशिएंसी ऑफ द हार्ट टू पम्प सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन्स टू मीट the metabolic demand and to collect the blood from the organs. Okay, अब बात यह आती है कि हमारा जो हार्ट है, जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जो हमारा हार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या है. उसका मेन फंक्शन है कि वो जो आपका ब्लड है उसको पंप करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, देन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिक जो डिमांड्स हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं. तो ये आपका किसका पूरा वर्क है, ये पूरा आपका हार्ट का वर्क है. ठीक है, अब कंडीशन आती है कि आपका हार्ट फेल हो जाए. हार्ट फेल हो जाए मीन्स आपकी जो पंपिंग वाली जो मशीन है जो आपके ब्लड को पंप कर रही है वही फेल हो जाए, तो क्या होगा कि जो हमारा सफिशिएंट अमाउंट है, जो हमारा ब्लड का सफिशिएंट अमाउंट है वो नहीं पहुंच पाएगा जितनी हमारी बॉडी को नीड है. हमारी बॉडी को नीड है कि इतना ऑक्सीजनेटेड पूरा ब्लड होना चाहिए बॉडी में. ठीक है, बट हमारा हार्ट का जो पूरा पंपिंग सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो जितना जो अमाउंट है बॉडी का वो उतनी नीड पूरी नहीं हो पा रही है. तो वो क्यों नहीं हो पा रही है, वो इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे हार्ट की जो कंडीशन है पंपिंग वाली वो कंडीशन थोड़ी एबनॉर्मल हो गई है. तो हार्ट फेलियर इन शॉर्ट मीन्स कि आपकी जो पंपिंग कैपेसिटी है, कार्डिक जो आपका आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट का डिक्रीमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी पूरी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक नीड्स हैं, मेटाबॉलिक नीड्स हैं बॉडी की, वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं. उस कंडीशन में हम बोलते हैं हार्ट फेलियर. ओके, अब बात आती है CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय abnormalities of left ventricle functions and neuro abnormal regulation which are accompanied by effort intolerance and fluid retention. मीन्स आपका कि जो आपका CHF है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम है. ठीक है, जिसमें क्या है कि जो आपकी हार्ट की जो फंक्शनिंग है, हार्ट की जो एनाटॉमी है, हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट की जो वाल्व्स हैं, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, उनके जो फंक्शन में वो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी. एबनॉर्मलिटी मतलब उनका जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा. जैसे कि आपका जो वाल्व का फंक्शन है वो है कि आपके जो ब्लड पैसेज को आगे फ्लो करना, ठीक है, उसको पुश आउट करना. ठीक है, अब आपकी जो मसल्स की फंक्शनिंग है वो ये है कि आपके हार्ट को एफिशिएंसी प्रोवाइड करना, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. ठीक है, तो ये सारे जो आपके हार्ट के एनाटॉमिकल जो पार्ट्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका न्यूरो एबनॉर्मल रेगुलेशन, जो आपका सिग्नल्स का पूरा मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल ओवर दी बॉडी जाता है तो वो सारे सेल्स उसकी वजह से फंक्शनिंग करते हैं. तो क्या होगा कि अगर वो कंडीशन मतलब आपका जो हार्ट के एनाटॉमी वाली पूरा एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, फिर जो आपका नॉर्मल हार्ट जैसे वर्क करता है वैसा नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिपेंड ऑन दी सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ ऑर्गन. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका करता है कि सर्कुलेटरी, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मीन्स कि हमारा जो हार्ट है वो आपका कितना अमाउंट पंप सर्कुलेट कर रहा है, कितना अमाउंट जो है पंप कर रहा है ब्लड का कि वो होल ओवर दी बॉडी सर्कुलेट हो जाए और जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है डिमांड्स की वो फुलफिल हो जाए. अब आपका आता है कॉजेज ऑफ CHF. ठीक है, मतलब किस किस वजह से हो सकता है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. एंजाइना पेक्टोरिस एक आपकी हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है. डायबिटीज़ मेलाइटस जो कंडीशन, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो आपको कोरिलेट करेगी कार्डिक की डिसीज़ के लिए. ठीक है, हाइपरटेंशन रहेगा उसकी वजह से भी हो सकता है. हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसकी वजह से भी हो सकता है. एनीमिया वाली कंडीशन रहेगी उसमें भी हो सकता है क्योंकि पूरा प्रॉपर ब्लड होगा ही नहीं हमारी बॉडी में तो वो उतना पंप नहीं हो पाएगा. ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन ये भी एक आपकी हार्ट डिसीज़ है, इसकी वजह से भी हो सकता है. तो ये आपके कॉजेज़ हैं जनरली CHF, इन वजह से हो सकता है.
ओके, ये सारी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को, हाइपरथायरॉयडिज्म को, एंजाइना मायोकार्डियल वाला, वो नेक्स्ट जो आपका जैसे जैसे आप पढ़ेंगे जो हार्ट की डिसऑर्डर है ये आपके तब आएंगे। ओके, देन फिर अब आपके आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है कि आपको बॉडी कैसे मतलब इंडिकेट करेगी कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, वीकनेस रहेगी आपकी बॉडी को, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर पैटर्न पे रहेंगी, चेस्ट पेन रहेगा वो भी लेफ्ट वाले पोर्शन पे, ओके, लेफ्ट साइड का आपका लेग का, हार्ट लेग का और हैंड का जो पोर्शन है उसमें पेन रहेगा, ठीक है, बैक साइड को वो करते हुए, स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट, जो आपके लेग और फीट है उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, ओवर वेटेड वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, स्किन का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा बिकॉज ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड की वजह से, ठीक है। तो ये आपके जनरली कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स हैं आपके CHF के।